अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.1। पहले बच्चों जो कि आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 पर है, क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आज में क्या करना है इस क्वेश्चन में, असेंडिंग ऑर्डर में का मतलब हो गया कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4/7, 2/5, 4/35, 8/7, इसमें सबसे छोटा कौन है और उससे बड़ा यानी तरतीब में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया पहले हम सबसे छोटा इसमें देखेंगे, फिर उससे बड़ा देखना है कि। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में दोबारा हम क्वेश्चन लिखेंगे 4/7, 2/5, 3/35, 8/7। 4/35 तो उसमें जो भी डिनोमिनेटर है 7, 5, 35, 7 इनका हम एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 7, 5, 35, 7। तो जब हमने एलसीएम निकाला तो वो आया हमें 7 × 5 हो गया 35। एलसीएम किसके बराबर आ गया, 35 के बराबर। पहले बच्चों हमने एलसीएम इसने निकाला कि हम इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएं, तो हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो हम एलसीएम के बराबर करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इसका इक्विवेलेंट जो उसको कहते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए जो उनका डिनोमिनेटर है सेम करेंगे। तो इसमें 4/7 है, 7 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 35 बन जाएगा, यानी 5। तो इसका मतलब हो गया 7, 5, 35। तो हम न्यूमरेटर को भी यानी 4 को भी और 7 को भी 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 = 20, 4/7 = 35। इसी तरह दूसरा फ्रैक्शन है 2/5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आएगा 7 से, 5/7 = 35। तो हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आया 7×2 = 14, 7×5 = 35। हो गया दो फ्रैक्शन। थर्ड फ्रैक्शन इज 4/35। 4/35 ये हो गया 4×1 = 4, 35 इसका ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, तो हम इसको 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×1 = 4, 35×1 = 35। अब लास्ट वन जो है फ्रैक्शन 8/7, यहाँ 7 है, 7 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आएगा, यानी डिनोमिनेटर हमें किसी भी हाल में एलसीएम के बराबर करना है, यानी हम करेंगे काम। पहले बच्चों हम 5 से इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/5 = 40, 7/5 = 35। तो इस तरह जो हमने लाइक फ्रैक्शन हासिल किए 20/35, 14/35, 3/35, 4/35, 40/35। तो इसमें हमें देखना है कि आप लाइक फ्रैक्शन 35, 35, 35, 35 डिनोमिनेटर हर एक का सेम आया, तो हमें क्या करना है, अब न्यूमिनेटर देखना है किसका छोटा है किसका बड़ा है। तो इसमें जो न्यूमिनेटर है वो सबसे छोटा जो है वो 4 है, 4 के बाद है 14, 14 के बाद है 20, 20 के बाद है 14। इसका मतलब हो गया 4 जो है वो आ गया हमें 4/35 के, 4/35, 14/35 इज लेस देन 20/35 इज लेस देन 40/35, इन्हें सबसे बड़ा जो है वो है 40/35। चाहे ऐसे निकाल रहो डिसनिकाल रहो, यहाँ तक में जो हम लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं एलसीएम इसका निकालते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, क्वेश्चन करना हो या हमें देखना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन फ्रैक्शन बड़ा है, इन्हें विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, विच इज़ बिगर फ्रैक्शन, तो इसमें हमें यही प्रोसेस इस्तेमाल करना है, इसका एलसीएम निकालना है न्यूमिनेटर्स का, फिर लाइक फ्रैक्शंस बनाना है, फिर हमें न्यूमिनेटर में अच्छी तरह से पता चलता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। 4/35, तो इसका मतलब हो गया सबसे छोटा आया हमें 4/35,
फोर्टीन बाई थर्टी फाइव, ट्वेंटी बाई थर्टी फाइव, फोर्टी बाई थर्टी फाइव। तो पहले बच्चों फोर बाई थर्टी फाइव, फोर बाई थर्टी फाइव ठीक है, फोर्टीन बाई थर्टी फाइव टू बाई थर्टी फाइव के, टू बाई फाइव के बदले हमें आया, तो ट्वेंटी बाई थर्टी फाइव यहाँ फोर बाई सेवन है, फोर्टी बाई थर्टी फाइव एट बाई सेवन है। तो हमें लास्ट पर यह लिखना है कि हमें इसको देखकर कि कौन किसके जगह आया, तो उसी हिसाब से हमें लिखना है। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो उसका मतलब हो गया, पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना और अपनी कॉपी पर नोट करना। तो क्वेश्चन नंबर थ्री ये हो गया, क्वेश्चन नंबर टू, अब है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री आप देखना, पहले बच्चों आप देखना कि पेज नंबर 34 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक टेबल दिया हुआ है, तो उसमें आपको ये क्या करना है, उसका रो के हिसाब से भी और कॉलम के हिसाब से भी इसका ऐड करना, एडिशन करना है, और आपको देखना है कि क्या हर रो में एक सेम, ये जो हम सम करते हैं वो सम सेम आता है कि नहीं आता है, क्या ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया, हमने टेबल जो टेक्स्ट बुक पर दिया हुआ है उसमें जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, पहले रो में 2x13, 9x13, 4x13, इनका हम ऐड करेंगे, इनका ऐड करेंगे, फिर इनका ऐड कर, सेकंड रो का ऐड करेंगे, थर्ड रो का ऐड करेंगे, और कॉलम के हिसाब भी हम इसका ऐड करेंगे, और डायगोनल के हिसाब से भी उसका ऐड करेंगे, देखेंगे कि हाँ क्या इसका सम सेम आता है कि नहीं आता है। अगर सेम आता तो इसका मतलब ये हो गया एक मैजिक स्क्वायर है, क्या आपको बोलना है कि इट इज़ ए मैजिक स्क्वायर। तो फर्स्ट रो जो है 2x13, 9x13, 4x13, इनका हमें ऐड करना है। पहले बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया, जब ऐड होता है तो ऐड में, एडिशन में, अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, किनका, इनका फ्रैक्शन का, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हम एक ही लिखते हैं और न्यूमिनेटर को हम ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ न्यूमिनेटर 13 है, 13 है, 13 है, तो इनमें से एक ही लिखेंगे यहाँ। तो न्यूमिनेटर जो है 2 है प्लस 9 प्लस 4, वो हमने लिखा, इनमें से एक ही आएगा 13। आपको कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोई एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन है। तो इनका ऐड करके 15x13। सेकंड रो 7x13, 5x13, 3x13, 7x13, 5x13, 3x13। तो इसका मतलब हो गया इनमें से एक ही हम लिखेंगे, क्योंकि स्लैक फ्रैक्शन से 13 लिखा, तो इनका 7 + 5 + 3, 7 + 5 + 3 न्यूमरेटर का हमें ऐड किया, वो हो गया 7 और 5 हो गया 12, 12 और 3 हो गया 15, हो गया 15 by 13 आ गया इसका सेकंड रो का भी सम। आप थर्ड रो का सम जो है वो है कैसे हम निकालेंगे, 6x13, 9x13, 8x13, हमने लिखा 6x13 + 1x13 + 8x13। इसका मतलब हो गया 6 + 1 + 8 इन 13 में से एक, जैसे फर्स्ट रो में हमने किया, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन है। पहले बच्चों आप रो में आ गया 15x13, यानी इसका भी 15x13, इसका भी 15x13, इसका भी 15x13, इसका सम आ गया। तो अब है कॉलम, कॉलम है 2x13, 7x13, 6x13, 2x13, 7x13, 6x13, इसी तरह डिनोमिनेटर में से एक ही लिखा, न्यूमिनेटर को 2 + 7 + 6, इनका ऐड किया, वो बन गया 15x13। सेकंड रो, सेकंड कॉलम जो है 9x13, 5x13, 1x13, इनका जब हमने ऐड किया तो वो भी आया 15x13 के बराबर। इसी तरह थर्ड कॉलम का भी जब हमने ऐड किया, यानी 4x13, 3x13, 8x13, इनका भी हमें ऐड जो आया वो आया 15x13 के दरमियान बराबर, क्योंकि इसमें भी लाइक फ्रैक्शन है, 13 डिनोमिनेटर एक ही लिखते हैं हम, तो ऊपर 4 + 3 + 8 वो हो गया 15। अब है डायगोनल वन, डायगोनल वन, पहले भी जो आप देखना, डायगोनल कहते हैं जो इस कोने से, यानी इस वर्टिकस से शुरू होता है इस वर्टिकस तक, यानी आप ये मानो कि एक कोने से ये कमरा है, इस कमरे से उस कोने तक ये हो गया इसका, जब हम लाइन है उसको कहते हैं डायगोनल। तो एक डायगोनल हो गया ये, एक हो गया ये,
यहां से इस कोने से इस कोने तक, वर्टिकस से इस वर्टिकस तक, इस वर्टिकस से इस वर्टिकस तक। तो इसका मतलब हो गया इसके दो डायगोनल है, पहला हो गया 2/13 क्योंकि यहां से आता है ऐसे, 5/13 8/13 2/13 5/13 8/13 इनका जब हमने सम किया 13 लाइव फ्रैक्शंस है, 13 13 13, तो इन ये सब जो है ये लाइव फ्रैक्शंस है, तो एडिशन है बीच में ऐड करना है, तो 13 एक ही लिखेंगे हम, 2 + 5 + 8 हो गया 15/13 डायगोनल 2 यहां से ऐसे, 4/13 5/13 6/13 4/13 5/13 6/13, तो लाइक फ्रैक्शन ये भी है, तो 13 जो है वो हम एक ही लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो ऊपर जो न्यूमरेटर जो है इनका हम ऐड करेंगे, सम करें सम निकालेंगे, 4 + 5 + 6 हो गया 15/13। इसका मतलब हो गया हर एक डायगोनल का वो उसका भी सम 15/13 15/13, चाहे रो का हमने ऐड किया सम किया वो भी 15/13 15/13 15/13, और कॉलम्स का भी 15/13 15/13 15/13, हर साइड में इसका जो ऐड हम करते हैं चाहे कॉलम्स हो रो हो तो 15/13 आता है। अब इसका मतलब हो गया कि इसका एडिशन जो है, इसका सम जो है वो सेम आया हर रो में, हर कॉलम में, हर डायगोनल में, तो इसका मतलब हो गया यस दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। ये था प्यारे बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका आप स्क्रीनशॉट उठाना और स्क्रीनशॉट उठाकर आप अपनी कॉपी पर ये नोट करना, तो बाकी इंशाल्लाह कल पता